बात आपको फिर से मेरे चैनल पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ काइन मास्टर में शेप टू एडिटिंग कैसे करें। चलिए काइन मास्टर खोल लेते हैं। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको इस तरह देखने का इंटरफेस मिलेगा। इंटरफेस आपको यहाँ पर चुनना होगा, जो प्लस वाला आइकन दिया है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए शॉर्ट वीडियो बनाना है या यूट्यूब जैसा वो जो वीडियो होता है वैसा बनाना था। आपको यूट्यूब पर वीडियो बनाना है तो आप इस चेंज कीजिए। इसको चुनने के बाद आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करना होगा। मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मान लीजिए बैकग्राउंड में कुछ लेना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड में ले सकते हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं है बैकग्राउंड में लेना। अब मान लीजिए हम लोगों ने स्क्रीन शॉट किया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर है तो हम यहाँ पर चले जाएंगे। फिर जो भी हमारा इसमें वीडियो है, जो भी हमारा वीडियो है इसमें ले लेंगे। देखिए मान लीजिए इस वीडियो को ले लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो में लेने के बाद मैं आपको बताने वाले को व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन कैसे बंद करें। मान लीजिए व्हाट्सएप बंद कर, मान लीजिए साउंड कम है तो साउंड बढ़ा रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम साउंड बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, फिर यहाँ भी ऐसे ही बढ़ा दीजिए। यहाँ पर इसे सुन कर जाकर आराम से खत्म हो गया, साउंड हो गया। दिमाग जी यहाँ ये सब बेकार है, व्हाट्सएप काटना है तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर कट वाले पे क्लिक करेंगे, कट वाले लेफ्ट को काटना है हमें तो हम लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से कट गया, ठीक है। मान लीजिए हमारा यहाँ तक वीडियो है, यहाँ तक थोड़ा सा लास्ट में भी हमको कट करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। इस पर कट क्लिक करने के बाद राइट साइड क्लिक करेंगे।